सभापति महोदय, आज हम सब लोग इस संसद में इस देश के 75 वर्ष लोकतंत्र के होने पर चर्चा करने के लिए एकत्र हैं। जब हम 75 वर्ष की इस यात्रा का सिंहावलोकन करते हैं तो स्वतंत्रता से लेकर आज तक के सभी बड़े निर्णय और बड़ी घटनाएं बरबस हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं। यदि हम स्वतंत्रता से प्रारंभ करें तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि महर्षि अरविंद ने यह कहा था कि जो स्थान इस शरीर में आत्मा का है वो स्थान भारत का पूरे विश्व में है। अर्थात आज से 75 वर्ष पूर्व सिर्फ भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, पूरे विश्व की मानवता की सोई हुई आत्मा जीवंत हुई थी। और भारत की वह जीवंतता किस रूप में आती थी, यानी हम क्या थे, 2000 वर्ष से अधिक के आक्रमण, 800 वर्ष से अधिक की गुलामी, उसके बाद जब हमने स्वतंत्रता का सवेरा देखा तो हमें समझना चाहिए वो देश था कि श्री अरविंदो ने ऐसे ही नहीं कहा था। इसके लिए कहा गया है, गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागा, स्वर्गापवर्गास्पद भाग हे तो भवंति भूया पुरुषासुरत्वात्। अर्थात वह भारत भूमि धन्य है देवता जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं, जो स्वर्ग के समस्त पदों पर रहने के बाद मनुष्य के रूप में जन्म लेने को यहां लालायित रहते हैं। तो आप समझिए, क्योंकि मोक्ष भूमि यही है और यहीं से मोक्ष मिलता था, तो उस देश के हम प्रतीक थे जिसने आजादी की वह पहली किरण देखी। मैं मानता हूं कि लोकमान्य तिलक का पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज, सुभाष चंद्र बोस जी की सैन्य शक्ति और बाबा साहब अंबेडकर की लेखनी की शक्ति, ये सब के सब कहीं ना कहीं इसी विचार से प्रेरित थे। और जब उस समय हम लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में ये देश ने आधी रात को नियति के साथ अपना पहला मिलन देखा तो उसकी हमें एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के दौर में दुनिया के कई देश तबाह भी हुए, डिवाइड भी हुए, कोरिया डिवाइड हुआ, जर्मनी डिवाइड हुआ, जापान तबाह हुआ था, इसराइल ने होलोकॉस्ट सह के एक नया अस्तित्व पाया था, चीन में बड़ा परिवर्तन आया था, परंतु हम कह सकते हैं कि हमने भी उस आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी जिसमें लाखों लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे और 1.5 से 2 करोड़ लोग बेघर बार होकर इधर से उधर गए थे, विच इज़ द बिगेस्ट एग्जॉडस इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जब इतनी बड़ी कीमत चुका के हमें आजादी मिली तो हमें उसके मूल्य को समझना चाहिए। हाँ, ये सारे देश जो हमारे साथ आजाद हुए थे ये एक दौर में बहुत तेजी से आगे हुए थे, पर आज हम कह सकते हैं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में हम उस पंक्ति में आकर खड़े हुए हैं जब उन सारे देशों के साथ भारत की गणना अग्रणी देशों में होती है। अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता मनोज झा जी ने उल्लेख किया था कि आज समाज में उतनी कटुता उनको दिखाई पड़ती है जितनी विभाजन के समय भी नहीं थी। मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, विभाजन के समय कटुता की बात नहीं, दृढ़ता की कमी थी। जो दृढ़ता आज है, अगर ये होती तो शायद विभाजन का विधान ही पास नहीं होता। यदि देश विभाजन का स्वीकार विधान नहीं होता तो भारत मां का अंचल पाकिस्तान नहीं होता। अब 75 वर्ष के इस कालखंड को मैं ये कह सकता हूं तीन कालखंड में विभाजित करना चाहूंगा। पहले 25 वर्ष 1947 से 72, दूसरे 25 वर्ष 72 से 97 और तीसरे 25 वर्ष 98 से आज का समय। पहले 25 वर्ष हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय खड़गे जी ने कहा कि दुनिया को इस बात को लेकर संदेह था कि भारत लोकतंत्र रह पाएगा या नहीं। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि उस समय लोकतंत्र को लेकर भारत का की डेमोक्रेसी, यदि यह कहा जाए, एम्ब्रायनिक स्टेज में थी, यानी गर्भावस्था में थी, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी लोगों को यह शक था कि यह लोकतंत्र रहेगा, उठ पाएगा या नहीं। मगर जानते हैं किसको शक था? केवल उन्हीं को शक था जिन्हें भारत की परंपरा और भारत की व्यवस्था के बारे में नहीं था। उस गर्भावस्था के संस्कार इतने प्रबल थे हजारों वर्षों से कि मैं कोट करना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने 28 अक्टूबर 1951 को यह कहा कि डेमोक्रेसी आज भले ही हमारे लिए नई दिखाई पड़ती हो, परंतु हमारा इतना गहरा प्रभाव है
कि उन्होंने कहा कि महापरिनिर्वाण सूक्त में लिखा है, जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो रहा था तो उन्होंने कहा कि जहां पर समिति बैठी हुई थी, जहां उन्होंने कहा कि वह कार्रवाई पूरी करे और उसके उपरांत ही लोग यहां पर आए, अर्थात व्यवस्था के तहत बैठकर लोकतांत्रिक निर्णय किस प्रकार से होते थे, उन्होंने इस विषय को रेखांकित किया। और नेता सदन पीयूष गोयल जी ने जब इस बात का उल्लेख किया था कि वैदिक काल में भी सभा और समिति थी, चोल साम्राज्य में हमारे कई प्रतिपक्षी लोगों ने बोला गांवों में समितियों का चयन जैसे वोट के द्वारा होता था, भगवान बासवन्ना के अनुभव मंडपम जिसमें 12वीं शताब्दी में बैठकर निर्णय होता था, वैशाली का वह गणराज्य जिसे दुनिया का पहला गणराज्य कहा जाता है, इतनी बड़ी परंपरा थी, इसीलिए सिर्फ उनको संदेह था जो भारत को भारत की दृष्टि से नहीं समझ पा रहे थे, जो भारत की दृष्टि से समझ पा रहे थे उन्हें पूरा यह यकीन था जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लोग यह मानते हैं कि डेमोक्रेसी की शुरुआत पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सिर्फ हमारे यहां थी, ऐसा नहीं था। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं और देश थी उनमें कहीं भी धार्मिक विषय पे, रिलीजियस विषय के ऊपर डेमोक्रेसी का कोई उल्लेख नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं हो सकता, सिर्फ जो कहा गया उसे सुन लो, इसके अलावा कोई डिस्कशन का उल्लेख नहीं है। परंतु सिर्फ हमारे यहां था, वैदिक काल में शास्त्रार्थ होता था, एक ही धर्म ग्रंथ के एक हिस्से को लेकर एक द्वैत का मत है, एक अद्वैत का मत है, एक विशिष्टाद्वैत का मत है, और जो कहा गया कस्मै देवाय हविषा विधेयम, यानी प्रश्न और उसके बाद निर्णय। तो मैं कह सकता हूं इंडिया इज द मदर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो द फाउंडेशन हेड ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड विच इज नॉट फाइंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस भाव को भली भांति समझा, परंतु जब डेमोक्रेसी अपने प्रारंभिक कालखंड में थी 25 वर्ष के, तब उस समय यदि यह विचार किया जाए तो कहा जाता है एक सत्ता पक्ष के बहुत से लोगों ने बड़ा योगदान दिया, तो मैं भी याद दिलाना चाहता हूं हमने क्या योगदान दिया। प्रतिपक्ष के रूप में जब देश के सामने चुनौती आई तो हमने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि हम प्रतिपक्ष में हैं या हमारे साथ क्या हुआ है। 1962 की चाइना वॉर हुई तो भारतीय जनसंघ के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी का जो हमने सहयोग और समर्थन किया, और जनसंघ ही नहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इतना सहयोग किया कि गांधी नेहरू जी ने पूरी पूरी प्रशंसा की और 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस परेड में बुलाया। 1965 वॉर में लाल बहादुर शास्त्री जी का जिस प्रकार से सहयोग किया, यह पूरी तरीके से ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में जनसंघ के अध्यक्ष नहीं गुरुजी को भी बुलाया था। यह पहले 25 वर्ष में आगे बढ़ते हुए जब हम 1972 के पास पहुंचे तो आप सभी बड़े गर्व से कहते हैं कि 71 की वॉर के समय अटल जी ने इंदिरा जी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। यह होता है विपक्ष के रूप में लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए एक सकारात्मक भूमिका निभाना और कैसे उस प्रारंभिक अवस्था में हमने आगे किया। वैसे मैं ये भी कह दूं, वो अटल जी ने वो नहीं बोला था जिसके बारे में बहुत ज्यादा बोला जाता है, क्योंकि इंदिरा जी की ऑफिशियल जीवनी पुपुल जैकर जी ने लिखी थी और उन्होंने बहुत खोजा था मगर वो चीज नहीं मिली थी जो कहा जाता, परंतु ये ईमानदारी की बात है कि वह प्रशंसा की थी और उसके द्वारा देश बढ़ता हुआ आगे तक पहुंचा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि पहले कालखंड में विपक्ष के रूप में हमने डेमोक्रेसी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला कालखंड आता है 72 to 97, इसे मैं कह सकता हूं कि दिस इज द नेसेंट स्टेज ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि पहले कालखंड के 25 वर्ष में चुनाव होते थे, सरकार नहीं बदलती थी, तो सरकार नहीं बदलती थी तो लोकतंत्र का दूसरा स्वरूप नहीं आता था। अब 72 से 97 वाले कालखंड में सरकारें बदलनी शुरू हुई, लोकतंत्र ने इमरजेंसी का वह काला अध्याय देखा जो कि बहुत दर्दनाक और दुखद था, परंतु आज के इस अवसर पर मैं उसके डिटेल में न जाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारत का लोकतंत्र इतना जीवंत था कि जेपी के नेतृत्व में हम लोगों ने वो आंदोलन खड़ा किया कि चाहे जितनी भी दमनकारी शक्ति थी, अंततः भारत में पहली बार केंद्र में सत्ता का परिवर्तन 1977 में हुआ। ये बदलाव आया और उसके बाद एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं कि जब एक गठबंधन बना था सभी लोगों को मिलकर, मगर बहुत जल्द ही वो गठबंधन कुछ छल में, कुछ प्रपंच में, कुछ अहम मान्यता में बिखर गया था। 1979 में
तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस संसद ने वो भी देखा कि ये 24 दिन की सरकार बनी, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए, और उस समय अटल जी ने दुखी होकर एक कविता लिखी थी, आप सबने वो तो सुना होगा ना, गीत नया गाता हूं, पर उन्होंने लिखा था गीत नहीं गाता हूं। उन्होंने लिखा था उस समय की घटना से दुखी होकर कि लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। आज मेला कई बार लग चुका है, पटना से लेके बेंगलुरु से लेके मुंबई तक मेले में कौन किसका मीत है ये तो शायद अंदर बैठे वालों को ही पता होगा कि उन्हें मीत मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कहता हूं कि अटल जी की यह बात हमें एकदम उचित और उपयुक्त नजर आती है। इसके बाद उस कालखंड में 1980 का दशक आया जब इस देश ने एक ऐसा दौर भी देखा जब 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सत्ता में वापसी हुई, तो अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता और कई लोग कहते थे कि सरकारों को हटाया गया, विपक्ष की तमाम सरकारें केवल इस आधार पर बर्खास्त कर दी गईं कि केंद्र में आपकी पार्टी चुनाव हार गई है तो राज्यों में आपको शासन करने का अधिकार नहीं रह गया है। मुझे लगता है कि इस आधार के ऊपर सरकार केंद्र में आई और उसने विपक्ष की सारी सरकारों को एक झटके में बर्खास्त कर दिया। यह भी लोकतंत्र के लिए एक चुनौती का दौर था। और 80 के दशक में दो सबसे शक्तिशाली सरकारें हम लोगों ने देखी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की दो तिहाई बहुमत की सरकार और राजीव गांधी जी की 80% बहुमत की सरकार। मगर इसी समय में देश ने बहुत बड़ी चुनौतियां, यह भी विडंबना थी कि सबसे शक्तिशाली बहुमत की सरकारों के दौर में आतंकवाद भी देश ने सबसे भयानक रूप में उठता हुआ देखा। फिर एक दौर आया जब 1980 के दशक का अंत हुआ और उस समय राष्ट्रवाद एक नए स्वरूप में उभरा, भारत के समाज में भी परिवर्तन आया, सामाजिक न्याय एक नए स्वरूप में उभरा, श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन उभरा और इस देश की पॉलिटिक्स यूनिपोलर से बाईपोलर हुई जब 1991 में हम लोग मुख्य विपक्षी दल बने 120 सीटों के साथ। और उसी समय अर्थव्यवस्था का भी पुराना ढांचा टूटा, जो नेहरूवियन मॉडल था वो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और श्री पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसको समाप्त किया। और मुझे याद है, मैं तो बहुत बच्चा था उस समय, स्टूडेंट था, उस खुली अर्थव्यवस्था में भाषण देते हुए सदन में अटल जी ने बड़े चुटीले अंदाज में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए गए हैं, कह दिया गया अब खुली अर्थव्यवस्था आ गई है। मगर उन्होंने कहा, सभापति महोदय, जितने दरवाजे आगे के खोले गए उतने पीछे के दरवाजे भी खोल दिए गए। और फिर उन्होंने कहा, कुछ तो ऐसे भी हैं जो पीछे के दरवाजे ही नहीं, रोशनदान से भी अंदर आने के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। इस प्रकार से उन्होंने उस खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन और उसकी विद्रूपता के ऊपर एक अटैक भी करने का कार्य किया। और फिर इस देश ने एक वो दौर भी देखा जब 13 दिन की सरकार बनी और उस 13 दिन की सरकार ने संसद के इतिहास में मील का पत्थर स्थापित कर दिया जब संसद की सीधी कार्रवाई का प्रसारण हमने उस 13 दिन की सरकार में प्रारंभ किया। तो लोकतंत्र में पारदर्शिता और संसदीय कार्य की पारदर्शिता में मील का पत्थर हमने 1996 में 13 दिन की सरकार में स्थापित किया। फिर 97 में, चूंकि अब हम उत्तरोत्तर शक्तिशाली होते जा रहे थे, तो सब मिलकर हमारे खिलाफ एकजुट थे और इस संसद में एक वो दृश्य भी देखा कि सामान्यतः सरकार में एक दल होता है और बाकी सब दल विपक्ष में होते हैं। इस 50वें साल में हमने वो दृश्य देखा कि विपक्ष में एक दल था और बाकी सारे दल सरकार में थे, सरकार के साथ थे या सरकार के अंदर थे या सरकार के बाहर थे, जिसमें आप सबको वह ध्यान होगा जो प्रमोद महाजन जी ने बोला था कि वो विदेश में गए और उनका परिचय हुआ चाइना में कि साहब हम सबसे बड़े दल हैं और हम सरकार से बाहर है, विपक्षी दल हैं। फिर उन्होंने कांग्रेस के सदस्य का परिचय कराया, दूसरे सबसे बड़े दल हैं मगर ये सरकार में नहीं है, समर्थन कर रहे हैं। फिर तीसरे व्यक्ति का परिचय कराया और कहा कि साहब ये सरकार के साथ है मगर मंत्री नहीं है, सरकार में नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि रमाकांत कलब जी थे, उन्होंने कहा जी ये एकमात्र सांसद हैं अपने दल के और ये सरकार है। तो मेरे विचार से संसद का यह स्वरूप भी उस समय हमने देखा। वैसे इस अवसर के ऊपर मैं कोई चुभती बात नहीं करना चाहता, पर यह भी याद है कि 97 में गुजराल जी की सरकार किस मामले पे गई थी, जैन कमीशन की रिपोर्ट, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की दुखद हत्या और उसको लेकर
कुछ लोगों के पार्टियों के नेताओं के साथ संबंध को लेकर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार गिराई गई थी और कहा गया था कि यह सरकार नहीं चल सकती यदि डीएमके के साथ समर्थन वापस नहीं लेते, परंतु कोई बात नहीं, आज 25 साल के बाद राजीव गांधी जी के प्रति श्रद्धा का ज्वार गठबंधन के खुमार में कहीं दब गया है और इसलिए अब परिस्थिति भिन्न है। अब मैं आता हूं इस कालखंड पे, 1998 से 2023 ये तीसरा कालखंड जो हमारा हुआ, इसकी शुरुआत हुई पोकरण के विस्फोट के साथ, भारत की शक्ति का उदय हुआ और भारत में एक अंतर में और स्पष्ट कर दूं, 1974 में भी इंदिरा जी ने परमाणु विस्फोट किया था और 98 दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस ये था कि 1974 में हमारे घोषणा करने से पहले सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों ने घोषित कर दिया था कि भारत ने टेस्ट किया है, परंतु जब हमने 98 में किया तो जब अटल जी ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तब तक अमेरिका को भी नहीं पता था कि परमाणु विस्फोट हो गया है। और दूसरा, 98 में हमने 5 एक्सप्लोजन किए थे जिसमें हाइड्रोजन बम से लेके सब किलोटन तक के थे, और अंतर यह था कि 74 में हमने कहा था कि हमने शांतिपूर्ण पर्पस के लिए किया है, 98 में हमने कहा नाउ वी आर द न्यूक्लियर स्टेट और हमने अपने को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया था। फिर इसी सदन में एक और भी चीज हुई जो सभापति महोदय, कभी कभी क्या होता है टेक्निकलिटी और मॉरलिटी के बीच की धारा बहुत छोटी होती है, अप्रैल 1999 में एक वोट से सरकार गिरी और वो एक वोट कौन किसका था, उस समय श्री गिरधर गोमांग जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके थे, तो टेक्निकली तो वो संसद के में वोट कर सकते थे, पर मैंने कहा ना टेक्निकलिटी और मॉरलिटी के बीच की जो धारा होती है वो बहुत हल्की होती है। खैर कोई बात नहीं, एक वोट से सरकार गिरी, परंतु उसके बाद पुनः हम लोग आए पुनः हम लोग सत्ता में आए और उसके बाद 2004 का दौर आया। 2004 में हम 7 सीटों के अंतर से चूक गए, परंतु मैं ये भी कहना चाहूंगा उस दौर में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज बहुत सारे विदेश के अखबारों संस्थानों को लोग कोट करते हैं, कई विदेशी अखबारों ने और कई अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिजीवियों ने जिसमें भारत के भी थे, नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे, उन्होंने 2004 में कहा था एक बात कि इंडिया इज अ मार्वल ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि उन्होंने कहा अ लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी हु इज अ क्रिश्चियन लेडी इज आस्किंग अ मुस्लिम प्रेसिडेंट टू अपॉइंट ए सिख एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री व्हेन 80% आर हिंदूज, दैट्स व्हाई इंडिया इज अ मार्वल ऑफ डेमोक्रेसी। और मैं कह सकता हूं यही क्रक्स ऑफ डेमोक्रेसी है, यह मूल भाव है जिसकी वजह से यहां सबको समान रूप से रहने का मौका मिलता है और आगे चलने का मौका मिलता है। आगे के 10 वर्षों के ऊपर मैं इस समय में बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे विचार से इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, वो सबको यह बात पता है कि उस कालखंड में क्या हुआ। अब मैं आता हूं 2014 पे, जब 2014 में 16 मई 2014 को श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, तो उस समय परिस्थिति यह थी कि मैं याद दिलाना चाहता हूं 18th of May 2014 लंदन के संडे गार्डियन ने अपने आर्टिकल में लिखा, सिर्फ पहली लाइन बोलूंगा आगे का नहीं बोलता हूं, उन्होंने कहा दिस इज द इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यह नियति के साथ दूसरा मिलन था, क्योंकि पहली बार एक ऐसे दल को सत्ता मिली थी जिसका उत्पत्ति विचार स्वतंत्र भारत में हुआ और पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को स्पष्ट बहुमत मिला। परंतु यह सरकार सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं थी, यह विचार बदलने के लिए थी और इसीलिए मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कुछ ऐसे विषय उठाए जो कहा गया नॉन पॉलिटिकल है, जैसे उन्होंने कहा स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विषय कहा, परंतु यह विचार बदलने के लिए था। आज आप देखिए हमारे आप में से किसी के भी हाथ में कोई पैकेट और रैपर होता जैसे पहले कोई आसानी से लोग फेंक दिया करते थे, अब ऐसा नहीं होता, और अगर उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा तो नवजात शिशुओं के लिंग अनुपात में भारी परिवर्तन दर्ज किया गया है और इस साल पहली बार ऐसा हुआ है नवजात शिशुओं में लड़कियों की संख्या अधिक आई है, यानी यह इतना बड़ा परिवर्तन आया। और अभी उदारता की बात कर रहे थे हमारे खड़गे जी, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इसी दरमियान स्टैंडिंग कमेटीज की जब बात होती है तो जो बिल आए हैं 2014 के बाद सरकार की तरफ से, तो उसमें 46 बिल्स आए जिसमें 14 स्टैंडिंग कमेटी को और 23 सेलेक्ट कमेटीज को गए, यानी 46 में 37, 80% बिल पार्लियामेंट्री कमेटीज को गए हैं, यह फैक्ट भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है।
और इसी के साथ मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था थोड़ा बड़ा हृदय होना चाहिए, तो याद करिए मोदी जी का पहला भाषण 2014 में, जब उन्होंने क्या कहा कि हम तो समाज के सबसे गरीब व्यक्ति की तरफ नजर रखते हैं, क्योंकि हम दीनदयाल जी के अंत्योदय से प्रेरित हैं। और आगे उन्होंने कहा, महात्मा गांधी हो, लोहिया जी हो या दीनदयाल जी हो, सभी का विचार इसी भाव से प्रेरित था। हमने इसकी कोई चिंता नहीं की कि कौन हमारी पार्टी का है, कौन हमारी पार्टी का नहीं। और विशाल हृदय तो इतना दिखाया कि सरदार पटेल की दुनिया की सबसे विशाल मूर्ति बनाकर दिखाई। हमें इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि उनके कालखंड में भले ही आरएसएस पे बैन लगा हो, परंतु जिसने देश के लिए इतना ऊंचा काम किया उसका मुकाम भी उतना ऊंचा होना चाहिए। फिर मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, मोदी जी के ही कालखंड में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, हमने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही भारत रत्न नहीं दिया, प्रणब मुखर्जी जी को भी भारत रत्न दिया, हमने तरुण गोगोई जी को भी पद्म भूषण दिया, एससी जमीर जी को भी पद्म भूषण दिया। मुझे लगता है शायद इससे ज्यादा उदारता, बगैर इस बात की चिंता किए हुए कि कौन हमारी पार्टी का है कौन हमारी पार्टी का नहीं है, भारत के इतिहास में यह देखने को नहीं मिलता है जो उदाहरण उन्होंने दिया। हां यह जरूर कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे लोग, उनको इसमें भी उदारता न नजर आई हो जो बाबा साहब का बहुत उल्लेख करते हैं, और बाबा साहब को भारत रत्न देने में इतना लंबा समय लग गया था, उनके कालखंड में नहीं मिला था। हमारी जब सरकार आई तो अटल जी की सरकार के समय में, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी उस अलीपुर रोड बंगले को सरकार ने लेकर उसको स्मारक बनाया, मोदी जी ने मुंबई में और लंदन तक जाके जिस मकान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रहे थे, भारत सरकार ने उसको लेकर उसे स्मारक बनाने का काम किया, और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में उसको स्थापित किया। तो यह दर्शाता है कि हमने सभी के प्रति, जिस जिसने इस देश के लिए जो योगदान दिया, उन सब के प्रति हमने ईमानदारी से और पूरी दृढ़ता के साथ इन 75 वर्षों में यह करने का प्रयास किया है। और एक और बड़ा परिवर्तन आया, देखिए जब इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने, परंतु वो ईश्वर की कृपा से एक समृद्ध परिवार से आते थे, उनके बचपन से उनके मुंह में सोने का चम्मच था, और आज 75 वर्ष के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने बचपन प्लेटफॉर्म पे दौड़ते हुए चम्मच और चाय के गिलास को लेकर दौड़ते हुए गुजारा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अंतर ये आया है कि ये लोकतंत्र की परिपक्वता है, इसका हम सबको, हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि अब लोकतंत्र लक्ष्मी नारायण की कृपा से लेके दरिद्र नारायण के सम्मान तक आके खड़ा हो गया है। ये परिवर्तन इस 75 वर्ष में लोकतंत्र में आया है। और इस संसद में भी जो चार सर्वोच्च पद माने जाते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, आज राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आज हम कह सकते हैं कि जनरल क्लास हो, शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी क्लास हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो या माइनॉरिटीज हो, आज अब कोई भी वर्ग ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे संसद के चारों सर्वोच्च पदों में से किसी एक पर कभी प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। यह लोकतंत्र में को हमने उस मुकाम तक पहुंचाया है इस अमृत काल में, मेरे विचार से इसके लिए भी मोदी सरकार का अभिनंदन किया जाना चाहिए। और यह भी मैं बताना चाहता हूं, इस समय यह भी एक सुखद संयोग देखिए कि सभी पदों पर बैठे हुए लोग वो हैं जो आजादी के बाद उत्पन्न हुए हैं, अर्थात अब स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भाव का नेतृत्व इस समय संसद में भिन्न भिन्न रूप में आगे चल रहा है। शक्ति सिंह गोयल जी ने कुछ बात बोली थी, एक मैं उनका भी जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने एक दोहा बोला था, हम लोग तरफ भी गांवों में बोला जाता है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया जी, आपके एक वाक्य को देखकर बाहर गए नहीं मान्यवर, उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, हम लोगों की तरफ भी गांवों में कहा जाता है, कहे घाघ सुन भट्टरी, यही गांव में रहना है और ऊंट बिलारी ले गई, हाजी हाजी कहना है। वो कह रहे थे कि हाजी हाजी कहना पड़ता है, ये तो उनके मन की कल्पना थी। मैं सिर्फ तीन चीजें कोट करता हूं, किसी के प्रति कुछ नहीं, मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम, उसके आखिरी वो 30 पन्ने जो उन्होंने कहा था मेरी मृत्यु के 30 वर्ष के बाद पब्लिश हो, उसको पढ़ लीजिए। श्री पीवी नरसिम्हा राव की किताब द इनसाइडर, जिसका हिंदी अनुवाद अंतरगाथा के रूप में भी विद्यमान है, वो भी पढ़ लीजिए, और श्री नटवर सिंह जी की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ पढ़ लीजिए, तो फिर मेरे विचार से शक्ति सिंह गोयल जी को वह शक्ति मिलेगी कि हाजी हाजी कैसे कहना है। और मैं
एक बात और कहना चाहूंगा, खड़गे जी ने G20 पे कहा कि कमल का फूल दिख रहा था। मान्यवर, G20 में जो कमल का फूल था वो 5 पंखुड़ियों वाला फूल है, जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। हमारा कमल का फूल 8 पंखुड़ियों वाला है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उनको ध्यान रखना चाहिए कि आज अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो हमें इंटेलेक्चुअली भी आगे बढ़ना है, फाइनेंशियली भी। हमें लक्ष्मी जी की भी कृपा चाहिए। सर एक मिनट और, हम कंक्लूड कर रहे हैं सर। सर हमें लक्ष्मी जी की भी कृपा चाहिए और सरस्वती जी की भी कृपा चाहिए, और दोनों ही कमल पे विराजती हैं। तो जितना कमल खिला रहेगा हमारा प्रगति का मार्ग उतना ही प्रशस्त रहेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, बस समराइज कर रहा हूं सर एक मिनट में, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर G20 में हमने वो विकास दिखाया कि आज 7.8% के साथ हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती व्यवस्थाएं। आज दुनिया में क्या स्थिति है, चाइना की, अमेरिका की, यूरोप की, पाकिस्तान और श्रीलंका छोड़ दीजिए। तो मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा मोदी जी के लिए, और सर एक लाइन उसके बाद और आपसे। मैं मोदी जी के लिए जो आप लोगों के मन में भाव आता है तो मैं कहना चाहता हूं कि इस विपरीत परिस्थिति में जैसे देश को चलाया है, हमें इल्जाम मत दीजिए बहुत अफसोस होता है, हमें इल्जाम मत दीजिए बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी चिराग अक्सर हमने जलाए। अंत में सर एक मिनट, अंत में मैं अटल जी की उस पंक्ति से समाप्त करता हूं, आप सबसे आह्वान करता हूं, नई संसद में जा रहे हैं तो वो जो उनकी पंक्ति थी कि आओ मिलकर दिया जलाएं, तो मैं ये कहना चाहता हूं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अपने लोग ही कुछ विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। और यज्ञ का धुआं उन सारे वायरस को नष्ट करे जिसमें डेंगू भी है, मलेरिया भी है, कोरोना भी है, एचआईवी भी है, जो मन में बैठा उस वायरस को नष्ट करे और एक भारत श्रेष्ठ भारत का मार्ग प्रशस्त करे।